आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम लोग पेज नंबर 34 का इसको ओ की मात्रा जो है आपका उसको पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, किसी भी चीज में ओ की मात्रा लगा के कैसे पढ़ेंगे, आप लोग अच्छे से सुनिएगा, उसको वैसे आप घर पे पढ़िएगा। लोटा, घोड़ा, तोता, मोर, कोयल, जोकर, बोतल, धोबी, लोमड़ी, टोकरी, समोसा, खरगोश, अखरोट, सरोवर। आप भी इसको ऐसे पढ़िएगा। फिर यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए, पढ़िए और समझिए। आपको इसको देखना है, इसमें किस चीज़ का पिक्चर है उसको समझना है और पढ़ना है, उसमें लिखा हुआ भी है। जैसे यहाँ पे आप देखिए, ये काहे का चित्र है, तोता, और यहाँ पर क्या लिखा है, तोता। ये टोकरी का चित्र है, यहाँ पर लिखा है टोकरी। ये वाला बोतल का चित्र है, यहाँ पे लिखा है बोतल। ये समोसा है, यहाँ पर लिखा है समोसा। ये खरगोश का चित्र है, यहाँ पर लिखा है खरगोश। ये लोमड़ी का चित्र है, यहाँ पर लिखा है लोमड़ी। ये मोर का चित्र है, यहाँ पर लिखा है मोर। उसके बाद यहाँ पे ये लोटा रखा हुआ है, ये लोटा का चित्र है, यहाँ पर लिखा है लोटा। ये अखरोट का चित्र है, इसमें लिखा है यहाँ पर अखरोट। ये धोबी है, जो कपड़ा धोता है उसका चित्र है, और यहाँ पर धोबी लिखा है। उसके बाद यहाँ पे कोयल का चित्र है, और यहाँ पर कोयल लिखा है। ये घोड़ा का चित्र है, यहाँ पर घोड़ा लिखा है। उसके बाद ये वाला पूरा देखिए, यहाँ पे पानी है, इसमें लिखा है सरोवर। सरोवर मतलब तालाब, यहाँ पर सरोवर लिखा है। फिर ये वाला जोकर का चित्र है, और यहाँ पर आपका जोकर लिखा हुआ है। आप लोग इसको इंटरेस्ट लेके, मन लगा के पढ़िएगा, पिक्चर देखिएगा, आप लोग को मजा आएगा पढ़ने में। फिर यहाँ पर क्या लिखा है, मैं पढ़ रही हूँ, आप भी इसको ऐसी पढ़िएगा। तोता दिन भर बोले राम, काम करो छोड़ो आराम, काले बादल करते शोर, देखो नाच रहा है मोर। आप भी इसको पढ़िए, घर पे पढ़ के अपने पेरेंट्स को सुनाइए और इसको पढ़िए। इसके बाद कल आगे का पढ़ेंगे। थैंक यू।